हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। प्रधान ग्रुप स्पेशली डील इन IMT खरखोदा, कॉन्टेक्ट अस 9355500009, 9643971000, 7650027000, www.pradhangroup.com। मंडोरी गांव के 13 वर्षीय लड़के की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि 26 तारीख को मंडोरा गांव के स्कूल में एक टीचर ने उसकी पिटाई की थी, जिसके बाद से उसकी तबीयत खराब चल रही थी और उसे बुखार हो गया था। पहले तो गांव में ही एक डॉक्टर से उसे दवाई दिलाई गई, लेकिन उसे कोई आराम नहीं हुआ तो दिल्ली के नरेला स्थित हरिश्चंद्र अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। लड़के के पिता दलवीर का कहना है कि लड़का स्कूल में गया था, उसके बाद ही उसकी तबीयत खराब हुई है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। थाना प्रभारी सुनील कुमार का कहना है कि शिकायत परिजनों ने दे दी है, पोस्टमार्टम के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में ACP अजीत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, जल्द ही इस मामले में आगामी कार्रवाई होगी। हालांकि गांव में ये भी चर्चा है कि बच्चे के पाँव में कुछ कीड़ा लड़ा है, जिसके कारण जहर फैलने से उसकी मौत हुई होगी, लेकिन ये जांच का विषय है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये स्पष्ट होगा कि बच्चे की मौत का वास्तविक कारण क्या है। इससे पहले गांव में ये भी चर्चा चल रही है कि जिस डॉक्टर से पहले दवाई दिलाई गई थी, हो सकता है उसका कोई रिएक्शन हो गया हो या कोई कीड़े ने काट लिया हो या कुछ भी बात रही हो, लेकिन अध्यापक की पिटाई का कोई इतना नहीं हो सकता क्योंकि पाँव पे कोई डंडा लगा होगा, लेकिन उसके बाद तो परिजन स्कूल में पहुंच गए थे और मामला समाप्त हो गया था। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी कार्रवाई होनी है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।